हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 15, एयर अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की हवाएं। इसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन मींस इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, इसमें क्या-क्या है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या हमारे चारों तरफ हवाएं हैं, और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मींस इसे कैसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, एयर किस किस से मिलकर बनी होती है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, यस एब्सोल्युटली राइट, कि हमारे चारों तरफ हवाएं हैं, हमारे चारों तरफ हवाएं अवेलेबल हैं। ये कैसे, आसपास अपने ट्रेवलिंग में हम देखे होंगे आते जाते वक्त हमें धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है, और जस्ट हमें पेड़ पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं, और हमें महसूस होता है, हमारे कपड़े सूखते हैं, और हमें हवाएं, जब हमें कुछ ऐसा महसूस होता है, जब बहुत गर्मी लगती है तो हमें ठंडक सा महसूस, जब चलता हुआ, जब पेड़ पौधे चलते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एयर। मतलब ऐसे हमारे लाइफ में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स तो जिसे प्रैक्टिकली हम शो भी कर सकते हैं, धूल, जब धूल तेजी से उड़ती है, बढ़िया एग्जाम्पल है जिसे एयर को हम प्रूव कर सकते हैं। और ये जो ट्री होते हैं, ट्री क्या करते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो इनकी पत्तियां हिलती हिलती हैं, देन हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे अब आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हिलते हैं ये किस वजह से, बिकॉज ऑफ एयर, एयर की वजह से इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और इस ये ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा जो है चारों तरफ उपस्थित है। एंड नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यस एब्सोल्युटली राइट। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है कि हम इसे कैसे प्रूव करें, अगर विदिन सेकेंड हमें प्रूव करना है। जैसा आप सिंपल सी फिरकी बना लीजिए, इस फिरकी को हम पेपर से ही बना सकते हैं और लीफ से, पत्तियों से बना सकते हैं, और इस मेक अ फिरकी आवर ओन, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। मीन्स आप एक फिरकी ले लीजिए और उसे डिफरेंट डायरेक्शन, मीन्स उसमें एक स्टिक जोड़ दीजिए, होल्ड द स्टिक, एक स्टिक जोड़ दीजिए ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अपने हैंड से लेते हुए इसे घुमाइए चारों तरफ, राउंड 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 करेंगे, तो इसका जो बीच का है फिरकी का, ये सेक्शन क्या होगा, मूव करेगा। एंड ये चीज, दिस इज कॉल्ड, जब ये मूव करेगा तो ये कहलाएगा एयर, मीन्स एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर क्या है, हमारे चारों तरफ उपस्थित है, तभी यह फिरकी क्या है, घूम रही है। मे बी अगर ये फिरकी हम लेके अंतरिक्ष में दौड़े, आप स्पेस में हो, आप सोचिए, आपके लिए सिर्फ यहाँ पे एक टास्क है कि अगर ये फिरकी हम स्पेस में लेके जाएं और लेके इसे घूमे ऐसे चारों तरफ, क्या ये फिरकी घूमेगी, यस या नो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या शो करना है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये फिरकी बहुत ही गुड एग्जाम्पल है, विद इन अ सेकेंड हम प्रूव कर देंगे कि फिरकी क्या है, जस्ट हमारे नेचर में हवाएं हैं, जस्ट ये फिरकी मूव करेगी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर हमारे अराउंड है, मीन्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मीन्स क्या होता है, एयर मेड अप ऑफ, किस किस से मिलके बना होता है। सिंपली अगर हम जब पेड़ पौधों को हिलते हुए देखेंगे, हम कहेंगे सिंपल सी बात कि एयर जो है वो जो सिंपल वन कंपाउंड है, क्या है, ओनली वन कंपाउंड, बट दिस इज नॉट राइट। एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, जस्ट एज लाइक एज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक। बट हमें क्या है कि जब एयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिंपल सा सोचते हैं कि सिर्फ एयर एक ओनली वन कंपाउंड है, बट ये सही नहीं है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, वाटर वेपर को अगर हम चाहें तो देन हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। अपने हम टी को, चाय बनाते वक्त हमने देखा होगा, उससे जो वाटर से होती है, वाटर से वेपर निकलती है, वो कहाँ जाती है, वो क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में ही जाती है। जस्ट अगर हम उसे कंडेंस करके देखना चाहें तो वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर में अगेन कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हम इससे कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर है हमारे नेचर में पहले से ही अवेलेबल है। एंड ऑक्सीजन, प्लांट क्या है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन लेते भी एंड प्रोड्यूस भी करते हैं, एंड ऑक्सीजन क्या आते हैं, एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देन हम क्या कह सकते हैं, एयर में, एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, मीन्स ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है, मिक्स है उसमें। एंड नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसका एक आगे एग्जाम्पल भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, यस एब्सोल्युटली राइट, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव करना बहुत ईजी है, जस्ट लाइक यस
आप किसी जब किसी चीज को मतलब बर्न किया जाता है, मतलब जला जाता है, जैसे लकड़ी में, जैसे विलेजन में क्या है, जब खाना बनाने के लिए या किसी अनदर हम ठंडी में क्या होता है, लकड़ी का यूज किया जाता है, देन उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 रिलीज होता है, या जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं जहाँ पे ब्रिक बनते हैं, ब्रिक मतलब ईंट बनते हैं, वहाँ से क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ CO2 वहाँ पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होता है, ये हमारे एयर में मिक्स होती हैं, मीन्स क्या होती है, एयर में मिक्स होने का मीन्स है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, एयर एलोन अकेला नहीं होता। एंड डस्ट एंड स्मोक, डस्ट तो आपने देखा ही होगा, जस्ट जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, उसमें डस्ट उड़ती हैं, और वो डस्ट कहाँ पे मिक्स होती है, एयर में भी डस्ट के पार्टिकल, और डस्ट के पार्टिकल अगर दिखाना है, जस्ट इसे प्रूव करना है, तो सिंपल सा आप एक हम अपने रूम में, अक्सर आप अपने रूम में देखिए जहाँ पे विंडो लगी होती है कमरे की खिड़की, जब सन की रेज जब रूम में इंटर करती है तो क्या होता है, जस्ट हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं किसके, डस्ट के, और इससे क्या प्रूव होता है कि एयर में क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल भी मिक्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है स्मोक, स्मोक क्या है, धुआं है, बड़े बड़े जो ये चिमनियाँ होती हैं जहाँ पे ब्रिक ईंटें बनते हैं, ये क्या होते हैं, धुएं निकलते हैं। एंड जस्ट जब उड को जला जाता है, कोयले को जला जाता है, दिस इज इससे क्या होता है कि जस्ट स्मोक धुआं निकलता है, और ये धुआं किस में मिक्स होता है, एयर में। अब हमारा बचा है नाइट्रोजन, जस्ट हम नाइट्रोजन आराम से प्रूव कर सकते हैं, दो कैंडल ले लीजिए, दोनों कैंडल को बर्न कर दीजिए, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, आप एक कैंडल को क्या करिए, जस्ट किसी से कवर कर दीजिए ग्लास से, एंड दूसरी वाले को मत कवर करिए, और आप देखेंगे समटाइम्स जो जिस कैंडल को हम कवर करेंगे, मीन जिसको हम किसी किसी ऑब्जेक्ट से जिससे कवर करेंगे, वो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बुझ जाएगी, मतलब जलना बंद हो जाएगी। सो इससे पता चलता है कि जो बाहर है, जो बाहर कैंडल है वो जल रही है, मीन्स बाहर क्या है, हमारे नेचर में हवा है, मीन्स एयर है। नेक्स्ट क्या है, इसमें एयर नहीं है, मीन्स इसमें जो गैस है जैसे CO2 होगी या नाइट्रोजन, और तो इससे ये प्रूव होता है कि नाइट्रोजन भी इन्वायरमेंट में है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक एज वाटर वेपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट एंड स्मोक, मीन्स नाइट्रोजन भी एयर का एक पार्ट है, यहाँ पे वो प्रूव किया जा सकता है। और जस्ट आप इस पाई चार्ट से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा मोर देन 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% इन्वायरमेंट में है, और अनदर गैसेस पॉइंट मीन्स 1% के आसपास है, मीन्स नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन, मीन्स एयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या जितनी भी गैसें होती हैं, वाटर वेपर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, डस्ट एंड स्मोक धूल और धुआं, इन सब चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके बता सकते हैं कि एयर ओनली कोई एक पार्टिकल्स, कोई एक सब्सटेंस या कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे सिर्फ वही हो, अकेले मीन्स कोई ओनली वन हो, अकेला वही हो, ऐसा नहीं है, एयर क्या होता है, मेनी गैसेस का मिक्सचर होता है। सो हम एक एक करके इसे प्रूव भी कर सकते हैं, हमारे पास डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो जिसे हम प्रूव कर लें आसानी से कि एयर में क्या क्या पाया जाता है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए देन आप इस नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे इसका नोट्स मिलेगा, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन पूछिए, और स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप रूरल एरिया में फ्री एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।